हकीम साहब, बहुत सारे पेशेंट हमने ऐसे भी देखे हैं जो गौनसिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके पैर क्या है पहले से ही टेढ़े हो गए हैं, ऑपरेशन भी करा लिया है फिर भी उन्हें आराम नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे जो दर्शक हैं, ऐसे जो पेशेंट हैं जो गौनसिया का अब इस्तेमाल कर रहे हैं ऑपरेशन के बाद, तो क्या उन्हें भी राहत मिल सकती है? एक उम्मीद उनके अंदर आ सकती है कि हाँ अभी भी हमें आराम मिल सकता है ऑपरेशन के बाद? जो देखिए, ऑपरेशन जो है वो एक मैकेनिज्म से छेड़छाड़ है, तो वैसी हालत तो नहीं हो सकती जी जैसी जी आपके जो ओरिजिनल मैकेनिज्म है वैसी हालत तो होना मुमकिन नहीं है दवाओं से। लेकिन अगर दर्द है उसके बावजूद, ऑपरेशन के बाद भी दर्द नहीं जाता है, तो उस दर्द का जाना मुमकिन है। अब ऑपरेशन कर दिया और उसमें ये कटोरी डाल दी आसान जबान में जैसे कहते हैं, तो फिर वो मैकेनिज्म चेंज हो गया। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आपका दर्द चला जाए या पैर टेढ़ा हो गया है, तो उन्होंने मैकेनिज्म से छेड़छाड़ कर दी। अब उसको हम सीधा नहीं कर सकते, वो तो ऑपरेशन से ही आप कर सकते हैं। लेकिन अगर दर्द है तो उसको मैं आसानी होना मुमकिन। बरेली से श्री, स्वागत है आपका। जी शुक्रिया मैम। नमस्कार मैम, कैसे जी नमस्कार। हैं मैम आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी हम भी ठीक है, दुआएं। जी 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 अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। हकीम साहब आप कैसे हैं? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दो तीन सवाल है मैम। बोलिए। जी पहला सवाल है हकीम साहब, मेरे चाचा की उम्र 56 साल है, उनको बीपी और शुगर के लिए हकीम साहब ने जैतून के सिरके में खाने वाला जो सोडा होता है वो एक चुटकी लेने के लिए कहा था, तो वो 4 दिन से वो ले रहे हैं। तो उनको पहले जो मोशन के एक दो दिन बाद मोशन होता था, अब उनको दिन में 3 बार मतलब मोशन के लिए जाना हो रहा है। तो ये इसको सिरके ले ये किस वजह से हो रहा है और क्या, और ये वो खाने के फौरन बाद ये ले लेते हैं, तो ये दिक्कत इस वजह से तो नहीं है खाने के फौरन बाद इसको लेने से? ठीक है, दूसरा और सवाल। मैम जी दूसरा सवाल है मेरा इसी को लेकर है, ये जो हकीम साहब बताते हैं नींबू अदरक लहसुन वाला जो नुस्खा सिरके के साथ, तो वो लाइफ टाइम कोई इंसान ले सकता है? बीपी और शुगर का पेशेंट लाइफ टाइम अगर इसको लेना चाहे तो? ठीक है। और चौथा सवाल है, जो हकीम साहब लहसुन बताते हैं अपने खाने के साथ लेने के लिए 3-4 पीस लहसुन के, तो वो सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ लेना कैसा है? हाँ देखिए, लहसुन वैसे ज़्यादातर लोग निहार मुख खा नहीं पाते, या लहसुन कोई खा सकता है तो खा ले, लेकिन निवाले के साथ अगर लिया जाए, जब हम रोटी खाते हैं तो लुकमे में रख कर और चबा कर खा ले, तो लहसुन खाने का एहसास भी नहीं होता और ये काम वही करता है। तो जैसा आपको आसानी हो लहसुन के साथ वैसा कर सकते हैं। और ये जो आपने सवाल किया है कि ये नुस्खा हम क्या लाइफ टाइम ले सकते हैं, हाँ ज़रूर ले सकते हैं, और ये नुस्खा हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। मैं तो कहता हूँ कि जो निरोगी है वो अगर ले तो रोग आसपास आता ही नहीं। वो कौन से रोग हैं जो हमारे आसपास नहीं आते इसको निरोगी के लेने से? जिसको रोग है उसको भी कंट्रोल करते हैं, और जो जिसको रोग नहीं है तो ये रोग होते नहीं हैं। उनमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट ब्लॉकेज और दिमाग की कोई जैसे फालिज फालिज जैसे अमराज यानी रोग, इसको लेने वाले को नहीं होते अगर निरोगी लें। और जिनको ये रोग हैं वो लें तो उनको कंट्रोल करते हैं इन सब चीज़ों को, और लाइफ टाइम भी इसे लेना बेहतर है। जी तीसरा सवाल हकीम साहब, जैतून का सिरका खाने का सोडा खाने के बाद वो लेते हैं, 3 बार मोशन भी आना पड़ता है उन्हें?
हाँ कुछ कम कर लें, जैतून का सिरका कुछ कम कर लें, वो खाने के बाद ही लेना बेहतर है। चाहें तो अपने सब्जी सालन में मिलाकर ले लें, कुछ दिन ऐसा उनको रह सकता है, उसके बाद वो उनको बर्दाश्त आने लगेगी। थोड़ा कम कर लें खुराक तो बेहतर होगा जी।